दिसंबर का दिन सुबह से ही भारतीय कुश्ती संघ के लिए काफी उथल पुथल वाला रहा। खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए नव निर्वाचित कुश्ती संघ को भंग कर दिया, जिसके बाद चुनाव जीतकर अध्यक्ष बनने वाले संजय सिंह निलंबित हो गए। वहीं संजय सिंह के निलंबन के बाद मामला फिर से गर्म हो गया। इसी बीच पूरी घटना को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। दरअसल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक नई एडहॉक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। ये कमेटी 48 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं इस कमेटी का काम WFI की हर दिन की गतिविधियों पर नजर रखना होगा। इसके बाद ये कमेटी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे IOA को सौंपेगी। इस कमेटी का गठन खेल में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसके लिए पत्र लिखा था। अब बात करें एडहॉक की, तो इस कमेटी का गठन किसी खास मुद्दे को सुलझाने के लिए होता है। ये एक अस्थायी कमेटी होती है। लैटिन भाषा में एडहॉक का मतलब होता है इसके लिए, वहीं इंग्लिश में इसका मतलब होता है केवल इस मकसद के लिए। इस कमेटी का मुख्य काम खास सलाह और सुझाव देना होता है। कमेटी की स्थापना का मकसद और कर्तव्य सलाह और सुझाव पर केंद्रित होना होता है। एडहॉक कमेटी में अलग अलग पृष्ठभूमि और विषयों से लोग शामिल होते हैं, जैसे वकीलों, अकाउंटेंट और व्यवसायिक सलाहकार, या फिर डॉक्टर, नर्स और चिकित्सा शोधकर्ता की टीम। ये कमेटी सीमित समय के लिए और किसी खास मुद्दे को सुलझाने के लिए बनाई जाती है। बात करें WFI की, तो 21 दिसंबर को इसका चुनाव संपन्न हुआ था, जिसके बाद से ही इसको लेकर विवाद चल रहा था। पूर्व पहलवान साक्षी मलिक ने आरोप लगाया था कि इस चुनाव को जीतने वाले संजय सिंह बृजभूषण सरन सिंह के करीबी है। साक्षी मलिक ने संघ के इस चुनाव पर दुख जाहिर करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षी मलिक ने पहलवानी से संन्यास लेने का ऐलान करते हुए अपने जूते निकाल कर मेज पर रख दिए थे। वहीं पहलवान बजरंग पुनिया ने भी अपना पद्मश्री सम्मान लौटाया था, जिसके बाद रविवार को मंत्रालय ने नव निर्वाचित संघ को भंग कर दिया था। संघ को भंग करने के बाद पूर्व पहलवान साक्षी मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनसे सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई केवल पहलवानों के लिए थी। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ अपने बच्चों की चिंता है।